नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये विरोध के सुर जो सुनाई दे रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे को टिकट देने के बाद बड़वानी सेंधवा के दावेदारों द्वारा किए जाने वाले विरोध से निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष सुखलाल परमार व उनके समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस आला कमान द्वारा गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया है, जिसका क्षेत्र में कोई संपर्क नहीं, जिसने अभी तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली है। आलाकमान यदि टिकट को बदलने पर विचार नहीं करता है तो वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंधवा। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि डॉक्टर गोविंद मुजाल्दा जी जो है अभी कांग्रेस पार्टी के 5 रुपए के सदस्य भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनको लोकसभा का टिकट देना कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। हम जो है 30 से 35 साल से कांग्रेस पार्टी का सतत काम कर रहे हैं। मैं 8 साल तक कांग्रेस का जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूं, और विपरीत परिस्थिति में हमने कांग्रेस का काम किया है। इवन कि मेरे खिलाफ 2-2 राजनीतिक मुकदमे भी दर्ज हुए, और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मुझे हमारे स्थानीय विधायक ग्यासीलाल जी रावत ने भी विधानसभा में कमेंडमेंट किया था और एफिडेविट करके दिया था कि हम आपको लोकसभा लड़ाएंगे, और आदरणीय बाला बच्चन जी ने भी बोला था कि आप अभी अब बचे हैं, आपको लोकसभा लड़ना है, और फिर मेरे साथ में इस प्रकार से मैं समझता हूँ मेरे साथ में विश्वासघात किया है, तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल है। कभी टिकट नहीं मिल पाता है आपको, पुनः वापिस विचार मंथन नहीं होता है पार्टी के द्वारा, आगे क्या योजना रहेगी आपकी? अभी सभी कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि हमारी भावना जो है हाईकमान तक पहुँचे और इस टिकट पर पुनः विचार हो और विचार करके इसको बदला जाए, ये हमारी सबकी मंशा है। निर्दलीय लड़ने का विचार, ये तो अभी सभी कार्यकर्ताओं के विचार आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू जी। खरगोन लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे जी को टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं में क्या इसकी प्रतिक्रिया है? डॉक्टर मुजाल्दे को टिकट दिया है, हम उस टिकट को लेकर हम संतुष्ट नहीं है। जिस व्यक्ति का 5 नए पैसे की भूमिका नहीं है पार्टी में, इसीलिए हमको संतुष्ट नहीं है। मैं वरला ब्लॉक के अध्यक्ष हूँ, वरला ब्लॉक के अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जंगल एरिया में महाराष्ट्र बॉर्डर पर रहती हूँ, और पूरा जंगल के पूरे आदिवासी इस टिकट को लेकर संतुष्ट नहीं है। मुझे आज यहाँ पहुँचाया गया है कि दीदी जाके देखो क्या स्थिति क्या नहीं तो निमाड़ क्षेत्र में निर्दलीय से टिकट लड़ाते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। अगर इस टिकट का परिवर्तन नहीं हुआ तो हम निर्दलीय की कोशिश करेंगे, जनता की सब राय रखेंगे, विचार करेंगे वो क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, उसके बाद निर्दलीय लड़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों कि ये टिकट देखे अच्छा नहीं किया हाईकमान ने, क्योंकि परमार जी में क्या कमी थी, सुखलाल परमार जी में यह हमको बताना चाहिए था कि सुखलाल परमार में क्या कमी थी। सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष रह चुके थे, और पिछले 35 साल से कांग्रेस के वो सिपाही थे, ये सोच लो। और उन्हीं की वजह से हमारे सेंधवा तहसील में हमारे ग्यारसीलाल रावत को विजय बनाया है भारी वोटों से, और सुखलाल परमार जी का काफी भूमिका अच्छी रही है, और यह है तो इसीलिए कांग्रेस हमारे इधर पूरी कांग्रेस मजबूत है, और आज भी कांग्रेस मजबूत है। हमारा तो पूरा दिल दुख गया है कि ऐसे इंसान को टिकट देना चाहिए जो इंसान सीट निकाल पाए, हम तो यही चाहते हैं। हमारा तो किसी से विरोध नहीं था, और भैया की क्या कमी रही वो भी बताना चाहिए था। और हम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 3 मर्तबा बन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कांग्रेस मुजाल्दे जी किस तरीके से प्रत्याशी बनाया तो चुनाव जीत पाएंगे जी, हमें नहीं लगता है जीत पाएंगे। अभी तो देखो क्या होता है आगे आगे, जनता नहीं चाहती है हमारे क्षेत्र की, अब देखो आगे और जनता क्या चाहती है वो जनता से आप सवाल कीजिए। मेरा जो सवाल था कि मुझे उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि उम्मीद लगने जैसी चीज को टिकट नहीं मिला, सुखलाल परमार जी को मिलना था, और भी थे साथी बड़वानी जिले में, ऐसा कुछ नहीं है। इनके यदि कुछ बात थी तो बोलना चाहिए था, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष क्यों बनाया आपने? आपका नाम? सुब्रा खान है मेरा नाम, मैं धौली रहती हूँ, सेंधवा तहसील बड़वानी जिले की निवासी हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। मुजाल्दे को गया है, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि टिकट दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, ठीक है उन्होंने जो उचित उन्हें लगा वो उन्होंने किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि पिछले 8 सालों से इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर
हम लोगों ने भी काम किया है यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते और सभी चीज़ों के नाते। एक बार ये सोचना चाहिए था कि एक ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए जो कई वर्षों से कांग्रेस के लिए काम किया हो, लड़ाई लड़ा हो, जो दोनों ही जिलों में जिसकी सर्वमान्यता हो, ऐसे एक व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए था। बाकी अब संगठन ने इसके ऊपर किया है, हमारा निवेदन है माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से, ये हमारा निवेदन है कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए और एक सही फैसला, कांग्रेस के हित में फैसला और सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हित में यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें लेना चाहिए।